देख रहे हैं कि सरसों का अक्टूबर वायदा 8,700 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 8,850 का हाई लगा चुका है, 1% की गिरावट है। हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों में आज एक ऊपरी स्तर से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, 1% की जो करेक्शन है वो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये करेक्शन इतनी नहीं है जो सरसों की कीमतों को एकदम धड़ाम कर दे। मंडियों में जो सरसों है वो 10,000 तक ही देखने को मिल रही है, 10,000 से लेकर 10,100-10,200 मैक्सिमम, जो कि काफ़ी अच्छा भाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने हाल ही में सरसों की MSP भी बढ़ाई है, 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरसों की MSP बढ़ाई है। और आपको बता दें कि सरकार के पास भी अब सरसों का इतना स्टॉक नहीं बचा है, ओवरऑल स्टॉक की बात की जाए तो लगभग 30 लाख टन सरसों का स्टॉक बचा है और अभी 5 से 6 महीने का समय है सरसों की नई आवक आने में। तो इस दौरान हो सकता है कि सरसों की कीमतें अभी और उछाल मार जाएं, और जानकारों के मुताबिक सरसों की कीमतों में अभी 9,100-9,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वायदा बाजारों की बात कर रहा हूं मैं, ये हाजिर में ऑलरेडी 9,000 के पार जा चुकी है और वायदा में भी 9,100-9,200 तक की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि सरसों सोयाबीन की तरह कारोबार नहीं कर रही है, जैसे कि सोयाबीन में हमने देखा था कि एकदम से उछाल आया था तो एकदम से गिरावट भी आती हुई नजर आई। सरसों कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर भी आ रही है तो इतनी बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और अगर सौदे हो भी रहे हैं तो ओवरबॉट नहीं हो रहा है, तो सरसों इस बार काफ़ी अच्छा मुनाफा कमवाती हुई नजर आ सकती है। और सरसों की कीमतें एक्सपर्ट्स के मुताबिक 9,100 से लेकर 9,200 तक का लेवल भी दिखला सकती है आने वाले समय में। वहीं सरसों के साथ बात करें यहाँ पे अगर सोया कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल की कीमतें एक गिरावट के साथ कारोबार, रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1311 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.1% की गिरावट है। रिफाइंड सोया तेल की कीमतों में अभी ये जो गिरावट वाला जो माहौल है अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक और जारी रह सकता है।